जिम्मा निभाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो कहा वो करके दिखाया। आज इस देवतुल्य जनता के सामने, इस देवभूमि पर हम सब लोग आपका भावभीना स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सिरोही जिले की धरती है। सिरोही अर्थात सर कटजा पर चुके नहीं, अन्याय के विरुद्ध ये स्वाभिमान की धरती है। और इस सिरोही की धरती से इस राजस्थान और सिरोही पाली और जालौर की जनता ये संकल्प ले रही है, ये जनसेवा उड़ा है आपके सामने, इस राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकना है। यह आपके सामने संकल्प लेने आई है, यह आपका सुनने आई है, यह आपका स्वागत और अभिनंदन करने आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इसी ग्राम प्रांगण में इस देवतुल्य जनता के सामने अपना वादा निभाया। एक तरफ आप है जिन्होंने इस वादे को पूरा किया, और इस मंच पर हमारे सामने इस विशाल जनसभा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष एक मजबूत आवाज के साथ विधानसभा में दौड़ते माननीय राजन सिंह जी, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, यहाँ उपस्थित हमारे यहाँ के सह प्रभारी आदरणीय विजयताई, हमारे मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय कैलाश चौधरी जी, आदरणीय सतीश पुनिया जी, हमारे सांसद आदरणीय देवजी भाई, आदरणीय पीपी साहब, माननीय राजेंद्र गहलोत जी, हमारे जिले के तीनों अध्यक्ष, तीनों प्रभारी, सभी सम्मानीय हमारे विधायक, आज ये जनता जनार्दन देश ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। वो जमाना था जब भारत दुनिया की तरफ देखता था कि दुनिया कुछ कहेगी, लेकिन 2014 के बाद वक्त बदला है कि अब भारत क्या कहने वाला है और भारत के प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, यह अंतर 2014 के बाद दिखाई देने लगा है। मैं आपके बीच में ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में आज सेना जी की नगरी में कई ऐतिहासिक काम का लोकार्पण भी हुआ, तो शिलान्यास भी हुआ। आजादी के बाद से, आजादी से पूर्व की मांग थी कि मालवा से मेवाड़ जुड़े, मेवाड़ से मारवाड़ जुड़े, और आपने 2015 में बड़ी सादड़ी से मालवी की रेलवे लाइन स्वीकृत की थी, वो 2022 में चालू हो गई। आपने 2021 में बड़ी सादड़ी से नीमच, जो मध्य प्रदेश की जोड़ने वाली लाइन है, उसको स्वीकृत किया, उसका भूमि अधिग्रहण चालू हो गया, और आज मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन का शिलान्यास आपके हाथों हुआ है। ये ऐतिहासिक पल जो 100 वर्ष पहले से लोग आजादी से पूर्व से इंतजार कर रहे थे, आज इस राजस की तरह इसलिए भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। आज चाहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे नेशनल एक्सप्रेस वे हो, चाहे रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक घरों का विकास हो, आजादी के बाद पहली बार आजादी के इस अमृत महोत्सव में ये देश भी देख रहा है, राजस्थान भी देख रहा है कि पहली बार हमारे धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार और विकास आपके नेतृत्व में पूरा देश देखता है। हमें विश्वास भी है और देश की जनता को भी विश्वास है कि आपके नेतृत्व में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, तो राजस्थान में कैसी नकारा सरकार है जिसने सालासर में राम दरबार को तोड़ने का काम किया। इस देश की जनता ने यह भी देखा है कि आपके नेतृत्व में देशभर के सारे शक्तिपीठ और शिवालयों का विकास शुरू हुआ, तो राजस्थान की सरकार ने यह भी देखा है कि अलवर में हो चाहे करौली में हो, शिवालयों को तोड़ने का पाप इस राजस्थान की सरकार ने किया है।
आपके नेतृत्व में एनएस विक्रांत में मुगलों की प्रतीक को हटाकर भगवा पताका फहराने का काम किया, तो राजस्थान की सरकार ने